हेलो फ्रेंड्स, फूडी स्टॉप में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलकर बनाते हैं बहुत ही बढ़िया सा स्नैक्स, बहुत ही कुरकुरा, मज़ेदार और खाने में बहुत ही यम्मी। इसका नाम है वेजिटेबल पोटली। जी हाँ, वेजिटेबल पोटली बनाएंगे, जिसमें कि हम खूब सारी सब्जियां डालेंगे। आप चाहें तो कुछ भी अच्छी अच्छी अपनी जो मनपसंद की सब्जियां हैं वो डाल सकते हैं। और इसको आप जो है बर्थडे पार्टी, किटी पार्टीज़, और भी जैसे घर में कोई आ रहा है तो आप इसको पहले से तैयार कर रख भी सकते हैं, और उसके आने पर आप इसको बना भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं वेजिटेबल पोटली, जो कि खाने में है बहुत टेस्टी। वेजिटेबल पोटली बनाने के लिए ये मैंने लिए हैं बीन्स। ये मैंने आधी कटोरी, छोटी आधी कटोरी बीन्स ली है। इसमें डालूंगी शिमला मिर्ची, छोटी सी शिमला मिर्ची है। ये अकॉर्डिंग टू आपकी कितनी आपने पोटलीज बनानी है उसके हिसाब से। ये है फ्रोजन अपना स्वीट कॉर्न्स, और ये है एक छोटा सा प्याज, और ये है एक छोटी सी गाजर। इन सबको बिल्कुल फाइन चॉप्ड करना है आपने, मोटा मोटा नहीं रखना। साथ में ही हम डालेंगे इसमें, ये मैंने थोड़ी सी नूडल्स मेरे पास पड़े थे तो मैंने उनको उबाल कर और छोटा छोटा कट कर कर इसको, जैसे आप तोड़ लीजिए अगर बड़े बड़े कहीं दिख रहे हैं तो, उसको मैं डाल रही हूँ बीच में। अगर आपने नहीं डालने तो आप मत डालिए, सिर्फ वेजिटेबल से बनाइए, और पर इसको डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये एक छोटी सी कटोरी है जो मैंने इसमें डाला है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे चाट मसाला। एक बड़ा चम्मच भर कर मैंने डाला है चाट मसाला, और नमक डालेंगे आवश्यकता के अनुसार, बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ। और इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल ज़रा सी लाल मिर्ची, बिल्कुल थोड़ी सी। साथ में ही डालेंगे मिक्स हर्ब, जो कि एक चम्मच मैं मिक्स हर्ब डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में ही मैं डाल रही हूँ इसमें मेयोनीज़, एगलेस मेयोनीज़ डाल रही हूँ। मेयोनी बाज़ार में बहुत आराम से आजकल मिल जाती है, तो मैं एक से डेढ़ चम्मच इसमें मेयोनीज़ डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ तंदूरी आजकल मेयोनीज़ के बहुत सारे फ्लेवर्स जो हैं बाज़ार में मिल जाते हैं। अगर आपको तंदूरी मेयोनीज़ ना मिले तो कोई बात नहीं, आप प्लेन मेयोनीज़ डाल लीजिए। और साथ में ही डाल रही हूँ मैं इसके फ्रेश क्रीम, जो कि एक से दो चम्मच। बस अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बनाने में जितनी इजी है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। इसको जब आप बनाएंगे, एक बार बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाएंगे इस वाली रेसिपी को। तो इसमें थोड़ा सा मैं नींबू भी डाल रही हूँ, सिर्फ आधा नींबू, हल्का सा टेंडी सा टेस्ट लाने के लिए। इसको हमने क्रंची रखना है, इसलिए मैंने इसको गैस पर बिल्कुल भी नहीं पकाया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको अगर आप चाहें मसाला, अगर आपने ज़्यादा खाना है तो आप इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, और हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, या थोड़ा सा आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जिससे एक और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। पर मैंने इसको नॉर्मल रखा है ताकि हर कोई इसको खा सके। ये बहुत टेस्टी बनती है ये वाली रेसिपी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसको मिक्स कर हम कम से कम 10 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि पूरी मेयोनीज वगैरह सारे मसाले अच्छी तरीके से सब्जियों में ऑब्जर्व हो जाएं। जब तक हमारी सब्जियां होती हैं, ये देखिए मैंने डो को पहले से ही तैयार करके रख लिया है। इसमें हमने अजवाइन नहीं डालनी, क्योंकि ये हम समोसे नहीं बना रहे, ये हम पोटली बना रहे हैं। इसलिए इसमें सिर्फ मैंने नमक और रिफाइंड ऑयल को पूड़ी के आटे की तरह गूंथ लिया था। इसको एक बार फिर से अच्छी तरीके से मैं मसल लेती हूँ। इसको कम से कम आप 10 से 15 मिनट पहले गूंथ के रखिए, मसलने से क्या होगा एकदम क्लीन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी लोइयाँ ले लेंगे, जो कि पूड़ी से भी हमने थोड़ी सी, अगर आप बड़ी पूड़ी बनाते हैं तो आपको थोड़ी छोटी रखनी है, और छोटी बनाते हैं तो ठीक है। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे पेड़े ले लिए हैं, इसी तरीके से मैं सारे पेड़े तैयार कर लेती हूँ। लोइयाँ हमने तैयार कर ली हैं, अब हम इसको छोटी छोटी पूड़ी के हिसाब से बेल लेते हैं।
पतला बेलना है, मोटा नहीं बेलना, नहीं तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि एक पोटली में आना चाहिए। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये एकदम मैंने पतली बेली है, मोटी नहीं बेली, तो इसी तरीके से आपको पतली बेलनी है। इसके ये देखिए साइड्स भी बिल्कुल पतले हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम किनारों में हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे, और पानी लगाने के बाद हम इसको नीचे रखने के बाद इसमें डालेंगे ये अपना स्टफिंग। ये एक चम्मच स्टफिंग डाली है भरकर मैंने, बिल्कुल कम भी नहीं डालनी कि जिससे टेस्ट ना आ पाए। और इसको पकड़कर हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, जैसे हम प्लीट्स डालते हैं इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है चारों तरफ से। इसको एक प्रॉपर पोटली की शेप देनी है हमने। ये देखिए इस तरह से होने के बाद इसको हम ऊपर की तरफ और बीच में से हम इसको थोड़ा सा दबाते हुए इसकी पोटली को अच्छी तरीके से सील कर देंगे ताकि सब्जियां बाहर ना निकले फ्राई करते वक्त। ये देखिए इसी तरीके से मैं सारी पोटलियां जो है तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए ये सारी पोटलियां मैंने तैयार कर ली हैं, अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए तेल को मैंने बहुत अच्छी तरह गरम कर और फिर 5 मिनट स्लो पर कर रख दिया था। आपको भी इसी तरीके से करना है, नहीं तो एकदम बाहर से जल्दी जल्दी सीख कर और काला सा पन आएगा। हमें चाहिए बिल्कुल बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन। तो अब मैंने इसमें एक एक कर इसको डाल देती हूँ। और इसको तब तक ऐसे ही सीखने देंगे जब तक ये खुद ऊपर ना आ जाए। अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा तेल जो है ये जो पोटली की ऊपर की नॉट है ना, हम इसके ऊपर डालेंगे ताकि ये कच्चे ना रह जाएं। अभी हम इसको पलटेंगे पर हम थोड़ा थोड़ा इस पर तेल डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा पलट देते हैं, इसको ऐसे कर हल्का सा साइड ले लेते हैं इसकी। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकने देते हैं। अभी जो है 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसको हम हिलाकर देखते हैं तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी क्रिस्पी सी एकदम गोल्डन ब्राउन की तरह होने लग गई है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट और अच्छे तरीके से सेक लेंगे। पोटलियाँ जो हैं वो सीख कर तैयार हो गई हैं, अब हम इसको एक एक कर आराम से निकाल लेते हैं। इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। अब ये जो पोटली तैयार हो गई है इसकी हम प्रेजेंटेशन करेंगे बहुत ही मस्त। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्दियां होती हैं तो हमारे पास हरा प्याज होता है, स्प्रिंकल ऑनियन, जिसके पीछे लंबी सी ग्रास होती है उसकी, तो हम उसके साथ बांधते हैं। पर इस मौसम में वो नहीं मिल रहा तो हमने क्या किया है, धनिया के पीछे की डंडियां ली हैं, उसको पीछे से काट कर धोकर और गुनगुने पानी में मैंने उसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो ये सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, एक पोटली लेंगे इस तरीके से और उसके ऊपर हम इसको इस तरीके से बांध देंगे। इसके साथ खाने में देखने में बहुत अच्छा लगता है जब हम चीज़ को सर्व करते हैं। तो ये देखिए है ना, बढ़िया सा मस्त एकदम लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बाज़ार से ही आया हो। तो मैं सब पर बांध लेती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया सी पोटलियाँ जो है तैयार हो गई हैं,
बहुत ही मज़ेदार है, खाने में बहुत क्रिस्पी और बहुत ही यमी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और खिलाइएगा अपनी आने वाली किटीज़ पर, बर्थडे पार्टीज़ पर, और बच्चों के टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। और आप जब इसको बेलकर और इसमें स्टफिंग भरकर आप इसको एज इट इज़ फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अगर किसी ने 5-6 घंटे के बाद आना है, आप निकालिए और तलकर उसको दीजिए। ये बहुत यमी है। आप चाहें तो इसमें इसको नॉनवेज भी आप बना सकते हैं, आप इसमें सिर्फ चाइनीज़ भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। पर मैंने इसको वेजिटेबल बनाया है। ये बहुत क्रंची भी है क्योंकि हमने कोई सब्जियों को पकाया नहीं था, इसलिए अंदर से बहुत क्रंची है। और मेयोनीज डाली है, क्रीम डाली है, तो उसके साथ मज़ा बहुत आने वाला है आप लोगों को। तो बनाइएगा, मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट डालिएगा, ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच।